एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बड़ा फैमिली व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज है मेरे चाचा चाची जी की वेडिंग एनिवर्सरी, 25th वेडिंग एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली, जो जो भी आप बोलना चाहते हो वो सब कुछ। उन लोगों ने क्रॉस कर लिया विश्व में, और वो अभी हमारी गाड़ी को क्रॉस, मतलब हम सब कजन्स इकट्ठे हैं। सब कजन्स में अभी तक सिर्फ हम चार ही आते हैं, बाकी गैंग हमारी अब तिथर बिथर हो चुकी है। तो हम चारों इकट्ठे हैं, केक हमने पिक कर लिया, और मतलब सब सामान है भाई, इसमें बहुत सारा सामान है भर भर के। तो आज हम बने हैं लड़के वाले, और मतलब चाची जी वाली साइड, मतलब नानी जी वाली साइड जो है वो लड़की वाले बने हैं। तो हमने लड़के वालों का ड्रेस कोड रखा है, हिमाचली टोपी पहनेंगे जितने भी मेल्स हैं वो। अभी हम निकल रहे हैं कांगड़ा से मटौर की तरफ, और केक मैंने भी नहीं देखा है, मतलब मेरे बड़े वाले जीजू ने ही केक डिसाइड किया है, केक का वो सब कुछ वही देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे, पिछली वाला केक भी बड़ा मस्त और सही था, तो ये वाला बहुत ही मस्त और सही होने वाला है। फ्लेवर क्या था? मिक्स फ्रूट फेवरेट मेरा फेवरेट है यार। और ये है मेरी सिस्सी। यार तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे ब्लॉग में? यार हम लोग हुए आज खतरनाक है, तो यार साड़ी सूड़ी पहनी है, क्योंकि ऐसा मुझे बोला गया है कि आज सिर्फ फैमिली वाले ही आएंगे, एक भी बंदा एक्स्ट्रा आ गया तो मेरे को बहुत हाई तो मचने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देखो मैंने ये सब कुछ मम्मी का जब हमने तो सामान देखा, ओ माय गॉड, हमारी मम्मी ने तो तबाही मचाई हुई ये सामान इकट्ठा कर करके। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम वहीं से ले लेते हैं उनके संदूक में से सारा सामान निकाल के। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी मैंने अपनी बहन से बात की है, और अभी हमने किया फुल फन, और केक खराब नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं बाद में। पहुंचने ही वाले हैं, और इतना सारा ट्रैफिक था ना, इतना सारा ट्रैफिक कि पूछो मत। केक मैंने पूरी कोशिश की है कि बचा हुआ ही हो, ऐसे तो मेरे को इसको खोल के देखने का मन कर रहा है इसमें क्या है, बहुत ही टेस्टी होगा। ओह माय गॉड, ऐसे मुझे केक्स वगैरह, मतलब मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, पर कुछ है, कुछ डिफरेंट है यार इन केक्स की बात, अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ मुझे भी, और मेरे को मतलब फ्रूट केक तो बड़ा ही अच्छा लगता है, तो जीजू हमेशा फ्रूट केक ही करते हैं, वैसे भी मज़ा आ जाएगा खाने का। मुझे लगता है कि मेरे विशाल जीजू तो पहुँच गए होंगे, क्योंकि वो कॉल करके हमें पूछ रहे थे कि कहाँ हो कहाँ नहीं, तो गेस्ट पहुँच गए और हम लोग पहुँच ही नहीं अभी तक। अभी हमने उनको बड़ा कुछ बताना भी है, गेम्स वगैरह हमने मतलब सोचा है कि हम गेम्स वगैरह खिलवाएंगे ताकि कुछ मज़ा आए, कुछ फन आए, खाना ही थोड़ी ना यार। तो देखते हैं अब कितना की इम्प्लीमेंट हो पाता है, कितना की नहीं, मिलते हैं। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन, और अभी आपको सामान वगैरह सब इकट्ठा विकट्ठा करके, मतलब सामान को सही पोजीशन पे रख के फिर मिलते हैं, ठीक है। सो हम पहुंच गए हैं, और बुआ भाई जी वगैरह भी हमें मिल गए, पर भाई बहुत सामान था अभी मैं। नमस्ते मामी जी, नमस्ते। सो ये मैं खा रही हूँ अभी स्नैक्स, और मेरे साथ मम्मी बैठे हैं, और मैंने सोचा अभी खा लेती हूँ, फिर मेरे को बहुत भूख लगी थी भाई, फिर मैंने थोड़ा खाया, और फिर जब मेरा हो गया थोड़ा, और फिर उसके बाद हमने खेली थी गेम, मतलब उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था कि अब कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, क्योंकि अभी अभी भी थोड़े थोड़े गेस्ट आ ही रहे थे, जब सब कम्प्लीटली आ जाते हम तभी प्लान कर पाते, इसलिए सब कुछ खाने खूने के बाद, मतलब थोड़ा बहुत जैसे सब ने खा लिया, फिर उसके बाद जब सब आ गए थे, सारे गेस्ट्स आ गए थे, जितने भी इनवाइटेड थे सब जब आ गए थे, तो फिर हमने चाची जी और चाचा जी का वेलकम करवाया, या जैसे प्लान किया था हमने ऑलमोस्ट सब कुछ वैसे ही गया। तो आप वो लोग वो भी देखना, मज़ा आया हमने भाई बहुत। फिर मैं और दार्शी गए देखने केक फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने केक देखा ये वाला, जो कि मुझे बहुत ही प्रीटी लगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, मतलब बहुत ही सुंदर था यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये केक यार। फिर पकड़ाया फ़ोन मैंने अपनी मम्मी को कि आप वो शूट करो जो जो मैं कर रही हूँ, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहीं कैमरा होना चाहिए, क्योंकि मैं कर रही थी तैयारी प्लेट की, तो घर से ही लाए थे ऑलमोस्ट सारा सामान, प्लेट पटाखे ये वो सब कुछ। तो अभी हम कर रहे थे प्लेट से जाने की तैयारी, क्योंकि हमने प्लान किया था कि चाची जी की एंट्री करवाएं, मतलब चाचा जी एंट्री करवाएंगे जैसे शादी के टाइम होती है ना यार वैसे ही। तो ये गिफ्ट्स वगैरह वाला थैला था भाई, हमने गेम्स भी रखी थी तो उसके लिए हमने प्राइजेस भी रखे थे, तो उसी थैले में था सब कुछ। तो फिर हमने करी प्लेट रेडी,
भाई उस टाइम मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, मैंने बोला भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप हट जाओ, मेरे को सामान करने तो तैयार। आपको पता है ये फ्रेम हमने गिफ्ट में देना था, ये फ्रेम मिल ही नहीं रहा था हमें। दार्शी ने मुझे काफ़ी असिस्ट किया, दार्शी मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी, शी इज़ माई गर्ल, मुझे बहुत हेल्प करती है भाई। दार्शू काफ़ी स्ट्रेस कम कर देती है दार्शी, क्योंकि मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ, उसके बाद ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती है, जो मैंने इसको काम दिया होता है ये कम्प्लीटली कर देती है उसको, तो मुझे टेंशन नहीं होती दार्शी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद। तो प्लेट वगैरह, प्लेट में वही दीपक, स्वीट्स, सीज़र, रिबन और धूप दिया, वो सब कुछ था। तो प्लेट रेडी कर दी और उसके बाद प्लेट पकड़ा दी थी हमने मासी जी को रेडी करके कि आप एंट्री करवा लेना। सो प्लेट रेडी करने में भी दार्शी ने ऑब्वियसली मेरी हेल्प की, जो कि आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है दार्शी मेरी हेल्प करने में। दार्शी का अपनी नानू नानी की एंट्री में भाई बहुत बड़ा हाथ है, और धीरे धीरे गेस्ट की एंट्री हो ही रही थी, मतलब गेस्ट आ ही रहे थे, तो हमने सोचा यार सामान वगैरह रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर जब सब गेस्ट आ जाएंगे तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ ही गए थे वैसे हमारे। गाइस फिर हबड़ा दबड़ी मच गई कि लड़की वाले रेडी हो जाओ, लड़के वाले रेडी हो जाओ। तो हमने सभी अंदर, क्योंकि यार मतलब गेस्ट आ गए थे वो खा रहे थे, अब खाते खाते हमें सबको उठाना पड़ा कि सब बाहर आ जाओ क्योंकि सबका आने का वेट कर रहे थे ना। तो फिर हमने सबको इकट्ठा किया, एकत्रित किया लड़के वालों को, क्योंकि लड़के वालों को बाहर आना था, लड़की वालों ने तो अंदर ही रहना था। तो यहाँ पे मिक्कू भी हमें सैड न्यूज़ दे रहे थे कि मतलब जो ऑनर्स हैं इस होटल के, इस पैलेस के, उन्होंने मना कर दिया कि पटाखे नहीं जला सकते। तो हम लोग खुद ही ना, अब मतलब गाना भी नहीं, गाने की आवाज़ भी बाहर तक नहीं आ रही थी, हम खुद ही होए होए करते हुए डांस करते हुए जा रहे थे अंदर, लड़के वाले बने हुए थे हम, और हमने काफ़ी फ़न किया। यार हमारा दूल्हा तो पीछे साइड पे रह गया, दूल्हे को बीच में रहा। उधर से अप्पू बना रही है, अप्पू बना रही है। चलो चलो अब लाग जोड़ किसे लेने जी, अप्पू कहाँ से बना रही है, पैसे भूल गए जल्दी। भाई तूने 51 बोला था, हमने तो 51 ठीक है, 51 ठीक है बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत है वो 51 सुना के देख कब ओए ओए क्या हुआ, दादू का क्या फिर एंट्री उंट्री हो गई और उसके बाद चाचा जी चले गए स्टेज पे। यार इस वक्त तो मैं इतनी कंफ्यूज थी क्योंकि मैं पर्सनली तो चाहती थी कि चाची की दुल्हन की तरह एंट्री हो, लेकिन मेरे को परमिशन नहीं मिली थी वो सब करने की, पर फिर भी थैंक गॉड नानी जी वाली साइड ने वैसी एंट्री करवाई, तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव फील हुआ और काफ़ी मज़ा आया कि चलो एटलीस्ट कम्प्लीटली हो रहा है सब कुछ। फिर ये चाची जी की एंट्री हुई है एज अ दुल्हन। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मैं पापा जी को बोल रही थी आप भी बैठ जाओ स्टेज पे जाके क्योंकि भाई बैठते हैं ना, तो अभी स्टेज पे क्या नहीं इमेजिन कौन था, चाचा जी के बच्चे साथ में बैठे हुए थे और यहाँ चाची जी की एंट्री हो रही है एज ए दुल्हन, उनके भाई लेकर आ रहे हैं उनको पीछे तो देखो यार उनके भाई के बच्चे ने पकड़ा हुआ है दुपट्टा। कौन आ रहा, ये
किधर है? ये तो है ब्रदर्स इन द गेम चाची तो हमारे ही है ना नेट ऑन कर लो नेफ्ट करा लो फॉर्म लाओ हो गया चलो ये हाँ हाँ भाई हाँ भाई हाँ फिर जयमाला भी हुई थी तो उसकी वीडियो तो अभी तक मेरे पास है नहीं, आएगी तो नेक्स्ट उसमें डाल दूंगी, वो काफी इंटरेस्टिंग थी, उसकी अलग वीडियो डालूंगी। गिफ्ट लेने देने का सिलसिला स्टार्ट हो गया, सबसे प्यारा गिफ्ट साल पहले कैसे दिखते थे मैं यार ओवर वॉइस इसलिए कर रही हूँ कि मैंने चाहिए बड़ी है पापा की आंखें कॉपीराइट आए और ये वीडियो फिर मुझे डिलीट करना मैं इसको हमेशा के लिए दैट्स व्हाई फिर ये मम्मी पापा जी के गिफ्ट था और मतलब बुके बुके दिया और उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह दिए फिर ऐसे ऐसे करके सभी ने गिफ्ट दिए फिर हमने केक कटिंग की फिर केक कटिंग में यहाँ पर थोड़ा बहुत केक हमने खाया खिलाया एक दूसरे को उसके बाद केक को नीचे भेज दिया मतलब अलग काउंटर पे ताकि यहाँ पे ज़्यादा दम दला फिर उनका स्टेज खराब हो जाना था काफ़ी मज़ेदार मुझे ध्यान आया फिर उसके बाद यार मैं ऊपर स्टेज पे पहुँच गई मुझे पकड़ ली सबने की हमारी फोटो खींचो भी आई इंस्टाग्राम सब और पागल हो गए पागल कुर्सियाँ हमने लगा दी है और अभी तक बोला किसी को नहीं है कि खेलने आ जाओ अब बोलते हैं मुझे नहीं लगता कोई आएगा खेलने Be optimistic. चलो आ जाओ म्यूजिकल चेयर की तो इसमें भाई सबसे पहला फॉल हुआ मम्मी का ठीक है इसके बाद जितनी भी गेम्स खेली ना हमने उसमें फॉल हुआ थी एंड मम्मी जीत ही गए ये थी मम्मी की विनिंग मोमेंट जो कि आप देख सकते हो बड़े मज़े से ये पहला गिफ्ट तेरा फैमिली को जाता हुआ चाची जी ने मम्मी को गिफ्ट दिया और यार ये मेरा फेवरेट गिफ्ट था मतलब ये हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था हम सब बच्चों ने मिलके कि हम ये गिफ्ट देंगे ठीक है बोल्स थे इसमें दो फिर हमने की कपल गेम भाई इतनी डांट पड़ रही थी ना मैं गेम्स खिलवाने के लिए पर फिर भी हमने करवाई ली क्योंकि यार हमारी फैमिली में कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिंग थे फिर इस कपल गेम को खेलते खेलते हुआ था सेकंड फॉल हुआ था अनिल चाचा जी और चाची जी का वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई पर वो बहुत डेंजरस था क्योंकि यार मैं पकड़ रही थी उनको तो इसमें जीते थे हमारे दो प्लेयर्स मेरे भाई भाभी और मेरे चाचा चाची जी सो सेकंड गिफ्ट अगेन तेरा फैमिली को जाता हुआ बहुत ही मज़े से आप भी होने चाहिए था सो फिर हमने करवाई ये वाली गेम मतलब मेल्स की करवाई फिर हमने गेम इस गेम में तो भाई इतनी चीटिंग इतना फन इतना मज़ा सब कुछ ही मिक्स था इस गेम में पर एट द एंड
आप गैस करो कौन जीता होगा। इसमें मौसा जी ने बड़ा ही फन किया था यार। मौसा जी ना उठ ही नहीं रहे थे अपनी सीट से। वो किसी भी कुर्सी पे जाके बैठ जा रहे थे और उठ नहीं रहे थे। पर मज़ा था यार भाई। ये लोग बहुत चीटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग है। हम इनके साथ खेल सकते हैं, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं गेम। इनको फिर से रूल समझाए जा रहे हैं भाई। पूरी गेम के दौरान फीमेल्स मेल्स को बता रही थी नहीं ये चीटिंग है, ऐसे करो वैसे करो। पर काफ़ी मज़ा आया था यार। देखो भाई सब कितने खुश हो रहे, कितना मज़ा कर रहे, कितना फन कर रहे हैं। एट द एंड आप सोच ही लो कौन जीतता होगा। सारे के सारे गिफ्ट्स जितने भी हमने प्लान किए थे सारे आए थे तेरा फैमिली को। गेम्स ओवर। फिर लास्ट में यार बच्चे भी बच ही गए थे, पर बच्चों को देने के लिए हमारे पास गिफ्ट नहीं था क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था। और एक गेम में दो विनर्स निकल आएंगे, ये भी हम इस चीज़ के लिए भी हम रेडी नहीं थे। पर एट द एंड अब इसमें भी तेरा फैमिली का ही बच्चा जीत गया था। फिर पापा जी ने उसको गिफ्ट दिया और बस मज़ा किया हमने, काफ़ी मज़ा था इसमें भी। बच्चे भी खुश हो गए भाई। फिर थी डिनर टाइम, तो उसमें आप दार्शी को देख ही सकते हो कि दार्शी कितने मन से मतलब काफ़ी मेरे को बहुत बड़ी लगी यार। दार्शी खुद अपने लिए खाना ले रही थी और यहाँ पे मेरे सिस्टर्स डांस करते हुए क्योंकि अभी तक हमने गेम सर्व कर रही थी खुद से, मेरे को इसको सर्व करते ये मतलब खुद से अपने आप को सर्व कर रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बड़ी हो गई है, पर क्या कर सकते हैं, बड़ा तो होना ही है। फिर अपने आप को इसने देखो इतना सा खाना लिया, इसके बाद ये चली गई। इसने अपनी नई फ्रेंड बना ली थी भाई, उसी के साथ दार्शी ने डिनर किया। और फिर जब मैंने थोड़ी देर के बाद देखा था तो दार्शी ने की प्लेट में बहुत कुछ था, इसे थोड़ा बहुत खाया क्योंकि इसने स्नैक्स बड़े सारे खा लिए थे। फिर आप देखना अभी यहाँ सब लाइन में लगे हुए हैं, दार्शी और दार्शी के नानू कर रहे हैं डिनर एंजॉय। अरे इसको पता नहीं क्या टेंशन, मतलब अगर सामने इसके साथ कोई खा रहा होगा तो ये खा लेगी, वरना इसकी एक्टिंग नहीं ख़त्म होती है। अभी डिनर वगैरह सब चल रहा है, कोई डिनर कर रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है। फिर यहाँ चाचा जी ने दिए, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये मेरे को मेरी बहन ने बताया कि नाग होता है जिन्होंने डिनर बनाया था उन्होंने प्लेट प्लूट सजा के ला रखा था, तो फिर इनको नेक मिला, वट एवर जो भी वर्ड होता है, समझ गए ना आप लोग। फिर हमने किया एट द एंड अपना पार्टी क्लोजिंग डांस, जो कि बहुत ही लंबा चला यार। मेरे ख्याल से 10 बजे तक का फंक्शन रखा था कि 9 बजे तक का फंक्शन रखा था, लेकिन फंक्शन चला 11 बजे तक। फिर ये थी फ़ोटो हमारी जिसमें चाचा जी बहुत खुश हुए थे आज का पूरा इन्जॉय फंक्शन देख के। एट द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर तुम्हें पता ना कि तुम सब सही कर रहे हो और इसमें एंड में सबको मज़ा ही आने वाला है, तो तुम्हें थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ती, क्योंकि ड्यूरिंग जब हम बोल रहे थे गेम्स खेलते तो भाई मुझे तो बड़ी बड़ी आँखें दिखाई थी, पापा नहीं चाचा नहीं और मना कर रहे थे बॉय जी सब कि नहीं खेलनी खाना खाओ, सर्व करना है मतलब अटेंड करना है लोगों को, गेस्ट को। पर गैस साहब हमारे सारे अपने ही थे, सब गेम्स खेलने में बहुत इंटरेस्टेड थे यार, मज़ा आया यार हमें। और एट द एंड चाचा चाची जी को भी काफ़ी मज़ा आया और सब ने हमें अप्रिशिएट किया कि हाँ बच्चों भाई तुम लोगों का बड़ा अच्छा एफर्ट था, बड़ा अच्छा योगदान था फंक्शन में। सो दिस इज़ इट, ये है मेरी फेवरेट फ़ोटो आज के पूरे फंक्शन की। शुक्रिया ये मोमेंट कैप्चर कर लिए भाई हमने। वैसे तो मैं वीडियो बना रही थी पर चलो फ़ोटो से काम चला लो, वीडियो बनी नहीं। ओके कहाँ जा रही है तू? सूरी बाबू अपने दर्शन तो करा दो। चलो दीदी अब हम आए भाई चाची के पास, चलते हैं फिर थोड़ी देर में ऊपर फ्रेश पानी। गाइस अब सारा फंक्शन वगैरह एंड अप करके, क्लोज अप करके, रैप अप करके अब हम चले घर। और सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। ओके बाय। अगर आपने लास्ट तक मेरा व्लॉग देखा है तो ये आपके लिए बम्पर ऑफर, मेरे को वो वीडियो मिल गई जय माला वाली, तो आप इन्जॉय करो भाई। वीडियो क्लैरिटी पे मत जाना, मोमेंट्स पे जाओ, मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। काफ़ी फन मोमेंट्स था यार,
मेमोरेबल बना लिया हमने सभी मोमेंट्स को और स्टोर भी कर लिया अपने फ़ोन में। अब कर लेना आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में जल्द ही। अब मैं आपको अपना सरप्राइज़ भी दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप देख रहे हो।